Okay, good evening class. Now we discuss type of reverse breakdown. तो type of reverse breakdown में हम लोग पहला पढ़ेंगे avalanche breakdown, ये आया avalanche breakdown, और दूसरा पढ़ेंगे zener breakdown. avalanche breakdown और zener breakdown, ये क्या होता है, थोड़ा हम पीछे का revision कर लेते हैं. जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक, रिवर्स करेक्टरिस्टिक, ये फॉरवर्ड वोल्टेज होती है और ये रिवर्स वोल्टेज होती है. फॉरवर्ड में जो हमारा होता है वो मिली एम्पियर में करंट देता है और रिवर्स में होता है वो माइक्रो एम्पियर में देता है. फॉरवर्ड करंट जो है मेजॉरिटी कैरियर की वजह से मिलती है और रिवर्स करंट बढ़ाते चले जाएंगे माइनॉरिटी कैरियर की वजह से. तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब सडन जो हमारी करंट होगी वो बहुत बढ़ जाएगी, तो जिस वोल्टेज में बढ़ती है उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. ओके, और जहाँ पे बढ़ती है उसको रिवर्स ब्रेकडाउन बोलते हैं. क्लियर? तो रिवर्स ब्रेकडाउन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन, दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन. एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, देखो तो पहले सर्किट देखते हैं. ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये पोटेंशियल बैरियर होगा. इसमें क्या होता है, पी एन में माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं और पी में माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. ओके, क्या होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन पे वर्क करता है. किस पे वर्क करता है, सेकेंडरी एमिशन पे. माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन पी टाइप का क्या करता है, स्ट्राइक करता है एक एटम से और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन, ये साथ में जाना चाहिए था, दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं निकलते हैं, एक नॉकआउट इलेक्ट्रॉन और दूसरा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन. ओके, ये अगेन क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं अदर जर्मेनियम एटम पे और वहां से दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं. देखो यही लिखा है, एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू सेकेंडरी एमिशन पे वर्क करता है. एट रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन बिकम सो हाई, इनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई हो जाती है. दे स्ट्राइक जर्मेनियम एटम एंड नॉक आउट द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. दिस टाइप ऑफ द इमिशन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाई हाई एनर्जी माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन, और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमिशन. नाउ दिस टू इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, एक कौन सा, एक नॉक आउट इलेक्ट्रॉन, ये तो माइनॉरिटी वाला हो गया, ये क्या करता है, स्ट्राइक करेगा, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक ये जो माइनॉरिटी कैरियर वाला है और दूसरा ये जो नॉक आउट इलेक्ट्रॉन है. ओके, ये माइनॉरिटी वाला है और दूसरा ये नॉक आउट इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, अगेन उसको स्ट्राइक करेंगे, किसको स्ट्राइक करेंगे. नाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन, वन माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन, अदर नॉक आउट इलेक्ट्रॉन, कोलाइड फर्दर दीज टू जर्मेनियम एटम क्रिएटिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन. दिस कमुलेटिव प्रोसेस, ये क्या होता है, आगे की तरफ चलता चला जाएगा प्रोसेस. हिंस अ लार्ज नंबर ऑफ, जैसे एक दो से बना, फिर दो चार से बनेंगे, चार आठ से बनेंगे, ऐसे करते करते बहुत ज्यादा हो जाएंगे. तो एक कम्युलेटिव प्रोसेस, हेंस अ लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन आर क्रिएटिंग, हेंस करंट इंक्रीजेस अप्रोप्रिएटली, मतलब इंक्रीज हो जाएगी. ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गया ये चीज. उसके बाद आता है जीनर ब्रेकडाउन. जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, ये फील्ड एमिशन पे वर्क करता है. जीनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू फील्ड एमिशन, इस पे वर्क करेगा, फील्ड इमिशन पे वर्क करेगा. तो जीनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू फील्ड इमिशन. फील्ड इमिशन क्या, अकॉर्डिंग टू जीनर डोपिंग इज मॉडरेट, द विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज स्मॉल. अगर उसकी डोपिंग कैसी है, डोपिंग अगर ज्यादा है तो विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी. डिप्लीशन लेयर इज स्मॉल ड्यू टू रिवर्स वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी अपॉन डी इज स्टेबलाइज अक्रॉस द जंक्शन. जंक्शन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो जाएगी. ड्यू टू दिस फील्ड अ फोर्स विल एक्ट, एक क्या हो जाएगा, फोर्स एक्ट करेगा ऑन द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व द कोवेलेंट बॉन्ड. किसमें इन्वॉल्व होगा, कोवेलेंट बॉन्ड में. नाउ एट रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज दिस फोर्स बिकम सो हाई देयर द कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन, हेंस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज एंड देयर फॉर द करंट सडनली इंक्रीज, और करंट क्या हो जाएगी, सडनली इंक्रीज हो जाएगी. जीनर ब्रेकडाउन किस पे वर्क करेगा, फील्ड इमिशन पे वर्क करेगा. ये देखिए,
ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ये डिप्लीशन लेयर हो गई, ये पोटेंशियल बैरियर हो गया, ये पी रिवर्स ब्रेकडाउन है तो माइनस का होगा, ये पोटेंशियल पी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जो किधर से होगी, माइनस से प्लस की तरफ होगी, तो ये ई इक्वल टू बी वाई डी हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू इन टू ई, यही फोर्स एक्ट करेगा जर्मेनियम के एटम पे, एफ इक्वल टू क्यू बी अपान डी, ये फोर्स लगेगा, ई की जगह बी वाई डी रख देंगे तो ये फोर्स एक्ट करेगा, ओके। यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू जीनर डोपिंग इज मोर रेयर, द विदाउट डिप्लीशन लेयर इज स्मॉल ड्यू टू रिवर्स वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इक्वल टू बी अपान डी, इज स्टेबलाइज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू दिस फील्ड, अ फोर्स विल एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन, किस पे एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पे, इन्वॉल्विंग इन कोवेलेंट बॉन्ड, जो किसमें इन्वॉल्व होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में, नाउ एट रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज दिस फोर्स बिकम सो हाई द कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन, हेंस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज एंड देयर फोर अ करंट सडनली इंक्रीज, ओके। इतना समझ गए, ओके, थैंक यू क्लास।